डोंट पैनिक स्टे सेफ। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर निहारिका रेनबो हॉस्पिटल से। आज बात करेंगे COVID-19 वायरस की या कोरोना वायरस की। COVID-19 एक इन्फेक्शियस कंडीशन है जो आप हर आज न्यूज चैनल पे सुन रहे हैं। ये कंडीशन ड्रॉपलेट के द्वारा स्प्रेड की जाती है। ऑलमोस्ट 85% लोग जिनको कोरोना वायरस पॉजिटिव होता है अपने आप ही ठीक हो सकते हैं। 15% ऐसे लोग होते हैं जिनको सीरियस सिम्टम्स हो सकते हैं और जिन्हें हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत पड़े। ज्यादातर ये 15% या तो 75 से ऊपर की उम्र वाले लोगों को, या प्रेग्नेंट फीमेल्स को, या फिर जिनकी इम्यूनिटी कम है, जैसे कि जिन्हें डायबिटीज, कार्डियक डिसऑर्डर्स या और कोई प्रॉब्लम है, उनमें ज्यादा चांस होता है। एज ऑफ नाउ, मतलब अभी तक हमें ये पता चला है कि कोविड वायरस ड्रॉपलेट से फैलता है। इसका मतलब है कि ये हवा में नहीं है। अगर मेरे को कोविड पॉजिटिव है और मैं कहीं खांसी करती हूँ तो उसमें से जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, या अगर वो आपके ऊपर गिरे, या आप उन्हें हाथ लगाएं और उनको हाथ लगा के अपने मुंह पे कहीं हाथ लगाएं, तो ये वायरस आपको हो सकता है। इसे कैसे प्रिवेंट करें? सबसे पहला, बार बार अपने हाथ धोएं। कोशिश करें हर आधे घंटे या एक घंटे में जाके हाथ धोएं। अल्कोहल वाला सैनिटाइजर हमेशा अपने पास रखें। इस सैनिटाइजर से सारी जगह जहाँ ज्यादा छुई जाती हैं, जैसे डोर के हैंडल्स हैं, लिफ्ट के बटन्स हैं, आपका फोन है, उसे बार बार साफ करते रहें। कभी भी गंदे हाथों से अपने फेस पे, आंखों पे, नाक पे हाथ ना लगाएं। कोशिश करें लोगों से हेलो ना करें, सिर्फ नमस्ते करें। इसको कहते हैं नो टच टेक्निक। अगर आपको सर्दी या खांसी है तो आप मास्क पहने और ज्यादा क्राउडेड वाली जगहों पे ना जाएं। बहुत सारे फॉरवर्डेड मैसेजेस आजकल कोरोना पे आ रहे हैं, प्लीज इनको शेयर ना करें, क्योंकि ये एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। जो मैसेजेस हॉस्पिटल द्वारा या फिर गवर्नमेंट द्वारा स्प्रेड हो रहे हैं, उन्हीं पे ज्यादा ध्यान दें।